फ्लूइड डायनामिक्स देखिए, फ्लूइड डायनामिक्स होता क्या है आपका? देखो, फ्लूइड डायनामिक्स सबसे पहले तो अगर मैं ब्रेक करूं इसको, फ्लूइड और डायनामिक्स मीन्स कोई भी चीज मोशन में। तो जब भी आप ऐसी स्टडी करेंगे कि फ्लूइड इन मोशन, मतलब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पानी को चलते हुए देखना, वो भी एक फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट है कि उसके पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं वाटर के अंदर। ठीक है, अगर हम देखेंगे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं विजिबल होते हैं, तो उन सब की मोशंस को जो स्टडी किया जा रहा है वो साइंस क्या कहलाती है? फ्लूइड कहलाती है। जनरल मीनिंग फ्लूइड का होता क्या है? कोई भी क्वांटिटी जो फ्लो कर सके, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो फ्लो कर सके जो सॉलिड ना हो। जैसे कि हम अगर बात करें तो सिंपल ऑयल, लिक्विड, ठीक है, इंक जो आप लेते हैं वो, तो ये सारे कैसे हैं? ये लिक्विड तो हैं लेकिन इनकम्प्रेसिबल हैं। मतलब दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो, या फिर एक ऐसा लिक्विड की बजाय हम गैस ले लें विच आर कंप्रेसिबल। दोनों ही आपके फ्लूइड में आ जाएंगे, क्योंकि जो गैस कंप्रेसिबल होती है वो भी आपका फ्लूइड ही कंसीडर की जाती है, ध्यान करना। ठीक है, जितनी भी गैसेस आपकी कंप्रेसिबल हैं वो भी फ्लूइड के अंदर ही काउंट होंगी। लिक्विड तो होंगे ही होंगे लेकिन गैसेज भी फ्लूइड के अंदर आएंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? ये भी कह सकते हैं, या फिर अगर हम टेक्निकली बात करें, जिनका वॉल्यूम चेंज ना हो प्रेशर लगाने के बाद, आपने प्रेशर अप्लाई किया और उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम नॉट चेंज व्हेन अप्लाई प्रेशर। और सिमिलरली कंप्रेसिबल में क्या हो जाएगा कि प्रेशर लगाने पे चेंज आए। ठीक है, तो दोनों ही हम लेके चल रहे हैं फ्लूइड के अंदर। इसके साथ साथ एक टर्म और कनेक्टेड है आपकी, दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स, देखो हाइड्रो वैसे भी हमेशा आपका वाटर के साथ यूज होता था, जब भी वाटर आता तो हम हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं। अब डायनामिक्स का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मोशन होता है। तो इसको कंबाइन अगर हम करेंगे क्या बन जाएगा इसका मीनिंग, कि वो साइंस जो मूविंग फ्लूइड्स पे स्टडी करे और इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि मैंने स्पेशली वाटर बोल दिया तो मैं लिक्विड पे आ चुकी हूँ स्पेशल, तो लिक्विड वाला सिर्फ केस इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट केस रहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स वाले में। क्या होता है हाइड्रोडायनामिक्स? ये वो साइंस है जो स्टडी करती है मूविंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मूविंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो टू टू मार्क्स के लिए मैं बता रही हूँ आपको मेनली। इसके बाद टू मार्क्स में आपका ये टर्म भी आ सकती है कि सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है। आपने लिक्विड बोला इनकम्प्रेसिबल, गैस बोला कंप्रेसिबल वाली लो। तो सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस में थोड़ी सी हम डिस्टिंक्शंस कर लेते हैं, कई बार डेफिनेशन इसकी भी आ जाती है कि सॉलिड में स्पेस जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। पार्टिकल्स जो बहुत सारे मैंने रखे उनके बीच में आप देखोगे तो बहुत ही ऐसे फिक्स्ड फिक्स्ड दिखेंगे आपको, हो सकता है आपको गैप दिखे ही ना उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आएगा आपका कि जब हम सॉलिड के केस ले रहे हैं, स्पेस स्मॉल होने के कारण जो स्पेस है वो स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस बना देंगे। स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस आपस में जो पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब इसका बताओ लिक्विड का, स्पेस क्या हो जाएगा इसमें, और कम होगा या फिर बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा मैम। यस, बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होगी एज कंपैरेटिवली टू सॉलिड।
सॉलिड से ज्यादा इनके बीच में गैप होगा, ग्रेटर होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वीकर मॉलिकुलर फोर्सेस होने लग जाएंगे। और जब मैं गैस की बात करूंगी तब तो शायद गैप इतना ज्यादा लार्ज हो जाएगा, इतने दूर दूर है कि मॉलिकुलर फोर्सेस का रोल रहे ही ना, सबसे वीकर यहाँ पे बन जाएगा एक तरीके से हम कह सकते हैं, यहाँ वीक बोल सकते हैं, यहाँ पे वीकेस्ट, सबसे ज्यादा वीकेस्ट यहाँ पे आपका मॉलिकुलर फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, तो तीनों की दो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कोई सॉलिड सब्सटेंस का एग्जाम्पल है आपके पास? इसमें अब देखो तीनों फॉर्म आप दिखा सकते हो, आइस मेल्ट हो गए लिक्विड, और देन जब आप उसको बॉइल करोगे तो कहाँ चली जाएगी, गैस। तो तीनों फॉर्म आप आइस से दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। अब इसके बाद जो हमारा मेन काम चलना है फ्लूड में, वो सारा एक ही मेथड से चलना है, एक प्रोसीजर है उससे हम चलेंगे पूरे फ्लूड को लेके। ठीक है, तो उस प्रोसीजर पे चलते हैं, क्या है उसका नाम, उसको टर्म को इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा हम बेस बनाएंगे। टर्म है कॉन्टिनम हाइपोथेसिस। देखो इसमें क्या होता है आपका, आपने अभी मुझे बोला कि या तो हम लिक्विड ले रहे हैं इनकम्प्रेसिबल टाइप, या हम गैसेस ले रहे हैं कंप्रेसिबल टाइप फ्लूड में। ठीक है, इट मीन सबके पर मॉलिकुलर गैप तो होगा उसके बीच में, जैसे हमने पढ़ा है लिक्विड और गैस में गैप रहता है। तो जब आप किसी भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर होगा उस पार्टिकल का, उस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी, कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है ना, और हो सकता है कि आप उसको अपनी आईज से देख ही ना पाएगी किस तरीके से उसके पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं देख पाते हम इतनी इजीली। हमें क्या यूज़ करना पड़ता, माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करना पड़ता, आपने देखा होगा बहुत बार साइंस लैब्स में माइक्रोस्कोप रखा जाता है, उससे आप देख पाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हम अपने व्यू पॉइंट से, हम सिर्फ अपनी आईज से नहीं देख पाते हैं उनका जो व्यू है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम बहुत दूर खड़े हुए हैं तो बिल्कुल ही नहीं दिख पाएगा ना हमें। अगर आप हम अपने व्यू को पास जाके देखेंगे तो शायद हमें पार्टिकल दिख जाए उसके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर हम दूर जाएंगे तो हमें वो पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल की तरह नजर आएगा, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक से जब हम मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट पर जाएंगे, ये कौन सा व्यू पॉइंट हो गया, मैक्रोस्कोपिक। ये कौन सा था जब आप पास थे, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। तो जब आप मैक्रो व्यू पॉइंट पे जाएंगे तो आपको गैप्स दिखने बंद हो जाएंगे, और जो मैटर आप देख रहे हैं वो आपको कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखने लग जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंगल पार्टिकल दिखने लग जाएगा। तो जब भी आप क्या करते हैं कि कोई भी आपको मान लो फ्लूड दे दिया गया एक गिवन वॉल्यूम वी में से, एनी फ्लूड जिसको आप स्टडी कर रहे हैं गिवन वॉल्यूम वी में दिया हुआ है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली है, मान लो मतलब हर जगह पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम है, चाहे आप इस पॉइंट को उठाओ तो इस पॉइंट पे प्रेशर उतना ही है जितना इस पॉइंट पे है, चाहे आप किसी और पॉइंट को उठाओ उस पे भी सेम है, जो भी प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एनर्जी, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आपका ऐसा है कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि आपका हर जगह पे नेचर सेम ही रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी को कहाँ ले जाएंगे, मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट पे ले जाएंगे। मतलब हम इस तरीके से स्टडी करेंगे कि हम पूरे वॉल्यूम को एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे, मतलब एज ए होल लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, जो हम स्टडी जब भी हम इस तरीके से करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होती है, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस होती है। मतलब ये क्या इम्प्लाई कर रही है कि फ्लूड के हर पॉइंट पे हमारे पास एक यूनिक वेलोसिटी है, यूनिक प्रेशर है, यूनिक डेंसिटी है, हम पूरे एक होल लेके उसके बारे में निकाल सकते हैं। हम माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट पे जाने वाले हैं, एक सिंगल पार्टिकल तरह कंसीडर करके स्टडी करने वाले हैं, उस प्रोसेस को या उस ऑब्जर्वेशन को जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम कॉन्टिनम हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लियर हुआ है, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, कुछ माइंड में आ रहा हो। ठीक है, तो ये हमारी स्टडी में रहने वाला पूरे फ्लूड डायनामिक्स में, मतलब अगर कोई भी आपको कॉन्टिनस या फिर आइडियल फ्लूड दे दिया गया, आइडियल फ्लूड में आगे जिक्र करूंगी होता क्या है,
अभी सिंपली ये बात है कि कोई भी कॉन्टिनेंस आपको दे दिया गया है फ्लूड, तो आपको करना क्या है, एक फ्लूड पार्टिकल उठाना है कोई भी जो उस पूरे वॉल्यूम के अंदर हो, जिसका साइज बहुत भी स्मॉल हो, बस उसी पार्टिकल पे आप स्टडी करोगे, जो उस पार्टिकल का नेचर आएगा वही पूरे सिस्टम का नेचर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये आपको जो काम आसान किया वो क्वांटिनम हाइपोथेसिस ने आसान कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपकी वो फोर्सेस को डिफाइन कर रहा है कि किसी भी बॉडी पे, जो आपको बॉडी दी गई अंडर स्टडी, उस बॉडी पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक हो सकता है बॉडी फोर्स लगे और एक हो सकता है सरफेस फोर्स लगे, ठीक है। बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स, तो बॉडी फोर्स कौन सा फोर्स होता है अगर हम बात करें, बॉडी फोर्स वो फोर्स होता है जो प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ बॉडी के। जो भी बॉडी का मास होगा, जैसे वाली बॉडी दी है, तो जिसका जितना भी मास होगा उसके प्रोपोर्शनल रहेगा बॉडी फोर्स। हम क्या करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, जब भी हमें फोर्स निकालना होगा तो हम दोनों टाइप के फोर्स निकालेंगे। तो बॉडी फोर्स कैसे निकलेगा, हम मान लेंगे पर यूनिट बॉडी फोर्स मान लेंगे, हम जितना भी मान लेंगे, से एफ इज पर यूनिट बॉडी फोर्स, पर यूनिट का हमने ले लिया, तो जितना भी टोटल क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंप्लीट बॉडी फोर्स निकालने के लिए। ये तो हमने पर यूनिट का लिया ना, तो हम आगे करेंगे इसको, तो ये किसके डायरेक्शनल होता है, सीधा सीधा मास के डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जो भी बॉडी का मास होगा, जितना भी वेट है बॉडी का, उसके प्रोपोर्शनल रहेगा बॉडी फोर्स। और सरफेस फोर्स में क्या अलग है, ये प्रोपोर्शन होगा आपका सरफेस एरिया के, जितना एरिया वो बॉडी ले रही है जहाँ पे आपने उसको सरफेस पे रखा है, वो सरफेस एरिया आप देखोगे उसके प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, सरफेस फोर्स रहेगा। और ये कहाँ एक्ट करता है, ऑन द बाउंड्री ऑफ बॉडी, सरफेस एरिया वाला बाउंड्री ऑफ बॉडी पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, कैसे फिगर के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे, दो तरह के फोर्स हैं, आइदर बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको क्यूब दे दिया गया, तो क्यूब में छह सरफेस हैं, तो छह के छह सरफेस के अक्रॉस आपको सरफेस फोर्स निकालना पड़ेगा, जितने सरफेस उतना ही टोटल निकाल के आप ऐड करोगे तभी सरफेस फोर्स आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी बॉडी है आपके पास, ऐसे ले लिया हमने पार्टिकल जो भी है, इस पे मान लिया मैंने कि एफ जो है वो सरफेस फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द स्मॉल एरिया डीएस। मैंने एक स्मॉल सा एरिया लिया, से दिस इज अ स्मॉल एरिया डीएस, ठीक है, उसको छोटा सा ले लिया, ये छोटा सा जो पार्ट है इस पे मैंने मान लिया कि मेरा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से एक्ट करा दिया ऑन बाउंड्री ऑफ बॉडी, मैंने जैसे कहा था एक्ट करेगा, तो अभी भी हम बाउंड्री ऑफ बॉडी पे ही एक्ट करा रहे हैं इस फोर्स को, ठीक है, इसकी तरफ से, जैसे इस तरीके से आया मान लो। तो जो ये सरफेस फोर्स हमने लिखा है एक्टिंग ऑन डीएस ले लिया, अब इसके बाद जो भी ये फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकालते हैं हमेशा, सरफेस हमेशा आउटवर्ड की तरफ फोर्स निकलता है, ठीक है, पर हम ये सरफेस पर लगा रहे हैं तो इसके डायरेक्शन शो करने के लिए हम इंटीरियर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। जब भी हम वैसे करेंगे स्टडी में तो हम आउटवर्ड ही निकालेंगे, सरफेस से बाहर की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जर्नली लिया, इस फोर्स को हम टू टाइप में ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसको अलोंग नॉर्मल भी ब्रेक कर सकते हैं, अलोंग टेंजेंट, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको भी आगे मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, जो ये फोर्स एफ है आपका, इसको मैंने से एक तो जो भी टेंजेंट बन रही है उसके अलोंग ब्रेक कर दिया, ठीक है, जो भी इसके टेंजेंट कंपोनेंट के अलोंग और एक नॉर्मल के अलोंग कर दिया, टेंजेंट के अलोंग ब्रेक होगा उसको हम बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस। जो टेंजेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट होगा दैट इज द शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, और जो आपका नॉर्मल के लॉन्ग लग रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर प्रेशर भी बोल देते हैं। ध्यान करना, प्रेशर हम करेंगे आगे, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल के लॉन्ग लग रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस, अगर हम सीधा ही कह देते तो ये वाली बात आ चुकी है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स को हम शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। देखो शियरिंग स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, शियर
शियरिंग आपने पहले भी पढ़ा होगा, शियरिंग क्या होता है, एक तरीके की फ्रिक्शन ही होती है। जब आप वॉक करते हैं अर्थ या जो भी है, ये एक फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है बैक टू द सरफेस, जिसकी वजह से आप वॉक वॉक कर पा रहे हैं। तो वहां पर भी शियरिंग स्ट्रेस का ही रोल है। अगर शियरिंग स्ट्रेस नहीं होगी तो शायद आप वॉक भी नहीं कर पाओगे, फ्रिक्शन के कारण ही आप वॉक कर पाते हो। तो फ्रिक्शन का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ऐसे हम आर्टिकल्स करेंगे सेकंड सेक्शन में, फर्स्ट में तो इतना रोल नहीं है इसका, फर्स्ट में सिर्फ डेफिनेशन है। चलिए सीधे सीधे शब्दों में इसका हिंदी का मीनिंग बताऊं तो, कोई भी तरल पदार्थ, ये तो सुना ही होगा आपने बहुत बार, तरल पदार्थ तो विस्कोसिटी वही होती है, ठीक है। विस्कस फ्लूड हम उनको बोलते हैं जिनमें क्या हो, विस्कोसिटी हो, जिसमें रिस्ट्रिक्शन हो कुछ, जिसमें कुछ फ्रिक्शन हो, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ, ये क्या होता है विस्कोसिटी, जहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूड। फ्लूड के जो हम पार्टिकल्स देखते हैं, अगर उनके बीच में आपस में आप देखोगे इंटरनल फ्रिक्शंस होती हैं, उस फ्रिक्शन के कारण वो रेजिस्टेंस देते हैं डीफॉर्मेशन ऑफ फ्लूड में, मतलब फ्लूड को फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एक ऐसी, मतलब जैसे अभी हमने बोला कि हनी लिया आपने, तो आपने देखा होगा हनी क्या हो जाता है, तरल होने के कारण वो जल्दी डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, टाइम लगता है उन चीज़ों में, तो ये डिजोल्व होने की क्वालिटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फ्लूड को डीफॉर्म होने। तो अगेन फ्रिक्शन भी आपका दोनों फॉर्म में हो सकता है, टेंजेंशियल हो सकता है, ठीक है ना, अभी हमने ये बोला ही था पीछे शियरिंग स्ट्रेस, वही हम फ्रिक्शन बोल रहे थे। तो जिस भी फ्लूड में ये वाली प्रॉपर्टी रहेगी विस्कोसिटी वाली, उस फ्लूड को हम बोलते हैं विस्कस फ्लूड, ठीक है। तो विस्कस फ्लूड को ही हम रियल फ्लूड भी बोलते हैं, जो रियली वाले फ्लूड होते हैं ना, मतलब हर फ्लूड में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो रहती ही रहती है, इंटरनल फ्रिक्शन। ऐसा कोई फ्लूड नहीं है आपका कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, जिसमें विस्कोसिटी ना हो, होगी किसी में कम होगी किसी में ज्यादा होगी, तो इनको हम रियल फ्लूड्स बोलते हैं। लेकिन जिन फ्लूड में यानी प्रॉपर्टी ना हो, अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं, कुछ ना कुछ परफेक्ट चीजें भी होती हैं जिनमें विस्कस हो ही ना बिल्कुल भी, तो जिसके अंदर बिल्कुल भी विस्कस ना हो उन फ्लूड को हम क्या बोलते हैं, इनविसिड बोल सकते हैं आप, आइडियल फ्लूड बोल सकते हैं आप, परफेक्ट फ्लूड बोल सकते हैं आप, तीनों में से कुछ। परफेक्ट वन मतलब जिसमें कुछ भी कमी ना हो, नॉट विस्कस हो गया एक तरीके से, आइडियल भी वही हो गया। तो हमारी जो इस बार वाली फ्लूड है जो थर्ड सेम में है, उसमें आप ये वाले पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी का आप रोल लाने ही नहीं वाले हैं, आप इस टाइप के फ्लूड पढ़ेंगे जो आइडियल होंगे, परफेक्ट होंगे, हर क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा द गिवन फ्लूड इज आइडियल, ठीक है। तो थर्ड सेम में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की नीड नहीं है, इन एक्चुअल तो रियल लाइफ में कोई आइडियल फ्लूड नहीं है, किसी ना किसी फ्लूड में, हर फ्लूड में कोई ना कोई विस्कोसिटी तो होगी ही होगी, लेकिन हम ऐसे फ्लूड कंसीडर करेंगे आइडियल फ्लूड में जिनकी विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है, जिसमें विस्कोसिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है ये बात, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक जनरली बात करूं तो वाटर के अंदर भी इतनी ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होती है, और इवन जहाँ पे स्टिल वाटर होगा, जो कई बार आपने देखा होगा बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे आप जाते हो, कभी गए हो अगर टूर वगैरह पे, तो वहाँ पे जो आपकी नदी रहती है या पोंड हो या कोई भी रिवर हो, तो वहाँ पे जो है आपको वहाँ वाले वाटर को देखना, बहुत ही स्टिल वाटर होता है, मूवमेंट नहीं होते, बट एक्चुअली में वो मूव हो रहा होता है अंदर से, इंटरनल फ्रिक्शन है थोड़ी बहुत है, बिल्कुल बहुत ही कम है, तो ऐसे वालों को हम आइडल फ्लूड में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हुआ है, एनी डाउट अभी तक हो किसी को, कोई डाउट, चलिए तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल आज का, ये तो 2-2 मार्क्स के लिए था सारा। द आर्टिकल इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूड एट अ पॉइंट, क्या कर रहे हैं आप, एक पॉइंट पे फ्लूड के वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं। इन जनरल वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, फिजिक्स में फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज द वेलोसिटी, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट पे निकालना है,
कर लिया मैंने वो पॉइंट से, यहाँ नहीं लेते रुक जो थोड़ा नीचे हो जाएगा ज्यादा, कंसीडर कर लिया मैंने पॉइंट एक पी, मैं मान के चल रही हूँ एट टाइम टी पे जो मेरा फ्लूड पार्टिकल है वो पॉइंट पी पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से अगर हम उसका डिस्टेंस देखें, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, जो डिस्टेंस है ओ से पी का दैट इज आर, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन भी दिखा दी आपने, इसी साइड जा रहा है ओ से पी की तरफ, ठीक है। अब जो ये पी पॉइंट है ये डिस्प्लेस हो गया से, डिस्प्लेस हो के कहाँ चला गया, ये से क्यू पे चला गया, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले ये जो पी पॉइंट था वो पोजीशन आर पे था एट टाइम टी पे, टाइम टी पे, अब कुछ टाइम के बाद एट टी प्लस डेल्टा टी टाइम, स्मॉल चेंज दिखाना चाह रही हूँ मैं, एट टी प्लस डेल्टा टी टाइम ये जो पॉइंट है वो डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हो गया, आर प्लस डेल्टा आर, ज्यादा हो जाएगा ना डिस्टेंस, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, तो आर प्लस डेल्टा आर हमने मान लिया है इसका डिस्टेंस, ठीक है, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे। तो हमें इन शॉर्ट निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम यहाँ पे देखें ये यहां से यहां तक हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली हमें वेलोसिटी देखनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, मैं इस तरीके से भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, ये वाली जो होगी आपकी, क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए बहुत ही स्मॉल सा चेंज है, जो स्मॉल चेंज होता है तो जो कर्व होती है स्ट्रेट लाइन के ही इक्वल बन जाती है कहीं ना कहीं, बहुत ही स्मॉल चेंज है। तो ये वाला लेंथ होगी कितनी, ये लेंथ कोई बता सकता मुझे कितनी आएगी जो मैंने ये लिखी अभी, डेलर मैम, डेलर ट्रायंगुलर लॉ से कर सकते हो, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहती थी कि दो सेम डायरेक्शन वाले लेके चलो तीसरे वाले को इक्वल हो जाएगा, तो आर में क्या ऐड करें कि आर प्लस डेल्टा आर आ जाए, तो डेल्टा आर ही करना पड़ेगा, ये हो गया डेल्टा आर, बिल्कुल ठीक बात है, डेल आर बन जाएगा, ठीक है। हमें निकालनी थी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, कितना डिस्प्लेस किया है आपने, डेल आर, क्यू की वैल्यू आ गई आपकी आर प्लस डेल्टा आर, तो आपका फाइनल पॉइंट तो उसमें से माइनस इनिशियल पॉइंट दैट इज आर, ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ऊपर नीचे टाइम, क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इन स्मॉल टाइम, तो मैं टाइम डेल्टा टी को टेन टू जीरो भी कर रही हूँ, हम सिंगल पॉइंट पे वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं। ये तो आपने दो पॉइंट को ले लिया पी और क्यू, अब मैं इसको सिंगल पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, वापस क्यू को पी पे ही लाना चाहती हूँ, तो सेम टाइम जो टाइम था आपका, जो रेट ऑफ चेंज हुआ उसको हमने क्या कर दिया, टाइम को टेन टू जीरो कर दिया, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ से कितना निकल आया, आर से आर कैंसिल, डेल आर बाय डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो, ये कितना आ जाता है जब भी हम लिमिट लगाते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा डी आर बाय डी, और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी है एट अ पॉइंट, तो आप उस पॉइंट का जस्ट पोजिशन वैक्टर देखिए और उसका डेरीवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आगे जितने भी आर्टिकल आएंगे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डी आर बाय डी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको जो क्यू लिखा है, मैंने क्यू एक वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है आपको, आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यों ना हम इसके वेक्टर्स क्वांटिटी को ही लिख ले एक बार से। मैंने क्यू कंसीडर कर लिया, देखो वेलोसिटी जो भी होगी डिपेंड तो आर पे ही कर रही है ना, आर पोजिशन वेक्टर है, आर एक्स वाई जेड पे भी डिपेंड है और टी पे भी डिपेंड है, टाइम पे भी, तो आर अपने आप में एक्स वाई जेड और टी का है अगर, तो यहाँ पे जब आप डी आर बाई डी टी निकालेंगे वो भी तो इसी का रहेगा, एक्स वाई जेड और टी का क्यू भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, क्योंकि आर पोजिशन वैक्टर हमें लिखना है, पोजिशन वैक्टर हमेशा कैसे लिखा जाता है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये लिख लिया हमने, इस वैक्टर के तीनों कंपोनेंट ले लिया आई जे के में, सिमिलरली मैंने क्यू के भी तीनों कंपोनेंट ले लिया आई जे के में, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, मतलब वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है यू, वेलोसिटी का वाई एक्सिस में कंपोनेंट है वी, और वेलोसिटी का जेड एक्सिस में कंपोनेंट है डब्ल्यू, ये हमने ले लिया। चलिए कंपेयर करते हैं रिलेशन को, क्यू इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी है आपका, ठीक है। तो क्यू को हमने लिख लिया यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और डी बाई डी टी हमें करना है आर का, आर क्या था आपका एक्स आई वाई जे प्लस जेड के,
ये निकालोगे आप डी एक्स बाय डी टी आई कैप हो जाएगा, डी वाई बाय डी टी जे कैप हो जाएगा और डी जेड बाय डी टी के कैप हो जाएगा। दोनों तरफ अगर आप लाइक वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे, आई आई वाले को क्या तो यू की वैल्यू आ गई डी एक्स बाय डी टी, सिमिलरली वी की वैल्यू क्या आ गई डी वाई बाय डी टी और सिमिलरली डब्ल्यू की वैल्यू डी जेड बाय डी टी। ये आपके जो कंपोनेंट है डायरेक्ट हमने कार्टिजन्स कंपोनेंट कंपेयर कर दिए, डायरेक्ट हमने एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है तो डी एक्स बाय डी टी कर दो, अगर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो और जेड एक्सिस के निकालना है तो डी जेड बाय डी टी कर दो। ये आपके पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी के कंपोनेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी वाला आर्टिकल तो यही खत्म होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस है इसका, केस फर्स्ट, अगर आपकी वेलोसिटी जीरो होती है जिस पॉइंट पे, जीरो निकल भी सकते हैं वेलोसिटी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट आपकी हो सकता है आप जिस पॉइंट पे चले हो आप वापस उसी पॉइंट पे घूम फिर के आ गए, वेलोसिटी तो आप शॉर्ट डिस्टेंस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर मैं डिस्टेंस देखूंगी जीरो आ भी सकता है, तो क्यू की वैल्यू जहाँ पे भी जीरो होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। तो ध्यान रखना इस वर्ड को स्टेगनेशन पॉइंट। थर्ड सेक्शन में हम कहेंगे फाइंड द स्टेगनेशन पॉइंट। तो स्टेगनेशन पॉइंट कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी निकालो और उसको इक्वल टू जीरो रख दो, तो वहां से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, स्टेगनेशन पॉइंट्स निकल के आएंगे, ठीक है।